हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल इदरीसी बटन स्टोर में। तो आज हम बताएंगे आपको जैविक और प्योर बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद जो कि आप अपने गमलों में डाल सकते हैं इस समय पर, और गर्मियों के समय पर। हालांकि उसका यूज़ नहीं किया जाता है, मैं आपको भी बताऊंगा और बनाने का तरीका भी दिखाऊंगा, और आपको जो है अभी के अभी डाल करके भी दिखाऊंगा पौधों के अंदर किस तरीके से उसको जो है यूज़ भी करना है आपको प्लांट के अंदर। तो फिलहाल मैं आप बात कर रहा था वो है हमारी जो कि आम तौर पर जो है लोग बहुत सारे भी रिकमेंड करते हैं, तो ये है हमारी सरसों की खली, जिसको हम जो है मतलब जो है मस्टर्ड केक भी बोलते हैं इसको। तो ये हमारे जो है इस तरीके से इसको खाद बनाया जाता है, इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र किस तरीके से बनाया जाता है वो आपको बताऊं। और फिलहाल अगर आप डायरेक्टली यूज़ करना चाहते हैं तो इसको बारीक बारीक पीस लें और इसको सुखा लें, डायरेक्ट इस तरीके से डालेंगे तो आपके पौधों में गमलों में फंगस लग जाएगा, इसलिए आप इसको अच्छे से ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र में ही इस्तेमाल करें। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल ये इस तरीके से आपके पास कोई भी ये डिब्बा हो या मिट्टी का हो या फिर किसी भी तरीके का हो जिसमें जो है हमारा इस तरीके से ये सरसों की खली आ जाए, और इतनी हमें लेना है कि हम मतलब जो है एक या दो बाल्टी में हमारा जो है डोस पूरी हो सके उतनी हमें ये खली लेनी है। तो ये हमने जो है इतनी मात्रा में सरसों की खली ली है, देख सकते हैं आप हमारा लेवल यहाँ तक आया है। तो इसको करना क्या है, इसको करने के लिए हमें लेना पड़ेगा पानी, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है पानी। इस पानी को हम लेने के बाद इसको करेंगे इसके अंदर कर देंगे डिप। हालांकि मेरी जो सरसों है वो कम थी, बट जो है यहाँ तक मैंने पानी क्यों भरा है क्योंकि ये अभी फूलेगी, ये फूल के यहाँ तक आ जाएगी पूरे तक, और ये जो है सारा का सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगी। अब इसको करना क्या है, इसको रख देना है ढक कर के इसी तरीके से, और इसको जो है कम से कम यूज़ करना है तो 3-4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद या 7 दिन के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वो भी इसे डेली आपको हिलाते रहना है। आप चाहें किसी भी लकड़ी की मदद से, किसी की भी सहायता से, या फिर उससे आप इसको जो है डेली की डेली चलाते रहेंगे। एक टाइम अगर आप चला देंगे तब भी इसका काम चल जाएगा, 2 टाइम चला देंगे तब भी बढ़िया रहेगा। फिलहाल मैं आपको दिखाता, और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, इसमें थोड़ी सी स्मेल तो रहती है, अगर आप इसमें जो है गुड़ का थोड़ा सा और इस्तेमाल कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। गुड़ में जो है इसमें इसकी स्मेल को भी ख़त्म करता है और जल्दी ही डीप कंपोस्ट हो जाती है ये हमारी लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो कि ऑल टाइप प्लांट में जो है यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने लगभग आज से 5-7 दिन पहले लगभग रखी थी, और ये देखें ये है हमारी, ये हमारा जो है लिक्विड हो चुका है तैयार। तो हम इसको जो है इस लिक्विड को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे, अगर हम डायरेक्ट इसको यूज़ करेंगे तो हमारे प्लांट को जो है जला देगा, तो ये हमारा नुकसान करेगा। फिलहाल हम इसको जो है यूज़ करेंगे इस तरीके से, जैसे हमने बाल्टी ले रखी है, इस बाल्टी में जो है हम जो है थोड़ा सा लेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा हम लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, और ये देखें इस तरीके से हम इसको इसके अंदर मिला देंगे और धीरे धीरे इस तरीके चलाते रहेंगे, और इसको हम जो है ये हमारा जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हो गया है। ये हम अगर 15-20 दिन के गैप से देते रहेंगे तो हमारे प्लांट काफ़ी हेल्दी रहेंगे। फिलहाल मैं आपको डाल करके भी दिखा देता हूँ, ये हमारा जो है फाइकस का प्लांट है छोटा सा, इसी के अंदर ही ये मेरा घास में लगा हुआ है, और ये हमारा है लीची का प्लांट, इसमें भी हम दे देंगे एक मग्गा, और मैं आपको गुलाब में भी डाल कर दिखा देता हूँ। इसमें ये मेरी जो कटिंग मैंने लगाई थी, ग्रो की थी, वही मेरी कटिंग्स हैं, इसमें भी मैं लगा दूँगा, थोड़ा थोड़ा भर देंगे हम, क्योंकि इसमें छोटा गमला है, इसका साइज़ छोटा है, इसलिए इसमें पूरा जो है मग्गा हमारा नहीं आ पाएगा, जितना आ रहा है उतना हम इसमें दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से, और ये हमारे पाम के पौधे हैं, इसमें भी आप दे सकते हैं बहुत ही इजीली आसानी से, ये किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं करेगा हमारे पौधों को, ये ऑर्गेनिक है प्योर, और अगर आप डायरेक्ट डालेंगे तो ये जो है ज़रूर नुकसान करेगा। तो इसी तरीके से मैं जो है अभी सारे प्लांटों में दे दूँगा। फ़िलहाल मेरा मोटिव जो था आपको सिर्फ डाल करके दिखाना था, ये देखें ये मेरा बड़े गमले में रखा हुआ है, अभी इसे जल्दी में ही शिफ्ट किया है और इसकी अभी जो है शूटिंग शुरू नहीं हुई है। फिलहाल इसका आप रिज़ल्ट देखेंगे, ये हमारा जो है लग चुका है। आप इसी तरीके से जो है यूज़ कर सकते हैं,
तो फिलहाल ये हमारा रहा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने का जो आसान सा तरीका है। और आप अगर डायरेक्ट डालना चाहें तो इसको ग्राइंडर में मिक्सी में बहुत बारीक कर लें और 1-2 दिन की धूप ले लें उसे। और फिर धूप लेने के बाद अगर हो सके, मुमकिन हो सके, तो वर्मी कंपोस्ट के साथ इसका मिला करके मिश्रण तब आप अप्लाई करें, तब जो है बहुत बेहतर काम करेगा। और अगर आप डायरेक्ट डालते हैं तो थोड़ा सा फंगस का जो है चांस रहता है, क्योंकि घास टाइप का फंगस इसमें जम जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।